पांच गांव भी मिले। दुर्योधन ने कहा, एक सुई की नोक के बराबर का भी जितना भूमि होता है उतना भी नहीं दूंगा इन पांडवों। तो भगवान तो चले गए। फिर विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाना चाहा, तो दुर्योधन महात्मा विदुर पे भी क्रोधित हो उठे और उन्हें बुरा भला कहने लगे। तो विदुर ने सोचा, वो भी एक क्षत्रिय है, उन्होंने सोचा यहाँ पे क्या अपना इंसल्ट करा, और भगवान की इच्छा है। और दुर्योधन ने तो कह भी दिया ना कि यहां से अभी आप निकल जाओ। बोले, तुम दासी पुत्र हो, तुम अभी यहां से निकल जाओ, और सिर्फ तुम्हारी सांसें छोड़ रहा हूं, मतलब बाकी कुछ नहीं लेके जा, इतना ही प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। वो क्या है? वो है आपकी सांसें, मतलब जिंदा छोड़ रहा हूं वही बहुत है। तो विदुर जी ने सोचा ठीक है, भगवान की इच्छा है ना। और बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊं, और मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैनेजमेंट के चक्कर। तो भगवान की इच्छा है, उन्होंने अपना धनुष रखा वहीं पर दरवाजे के पास। अच्छा, तो भक्तों को ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता जहां पे उनके टॉलरेंस का, भक्तों के गुण क्या है? पहला है तितिक्षा, उनकी सहिष्णुता, जो सहनशीलता है उसकी परीक्षा, और बार बार होती है। कई बार हमारे मन में आता है कि हम तो अब भक्त बन गए हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, दीक्षा भी ले ली, फिर भी तकलीफ क्यों है संसार? तो तकलीफ तो तब तक रहेगी जब तक आप इस भौतिक संसार, तकलीफ जाने नहीं पाते। ये तो भगवान और शास्त्रों में पहले से, भगवान ने भी कह दिया, अलग अलग शास्त्रों में ये बताया। तो फिर कैसे सहेंगे? जो क्यों आता है, अलग अलग कारण होते हैं। हम शुद्ध नहीं है इसलिए हमारे कर्मों का फल है, और जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा भगवान हमें, उनको ऐसा परिस्थिति में डाल के दिखा रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त ऐसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार कर, क्योंकि लोग थ्योरिटिकली नहीं समझ सकते, उनको प्रैक्टिकल चाहिए और उदाहरण चाहिए। अगर आप लीडर हैं और किसी को बोल देंगे, ठीक है आपने अपनी प्रजा को बोल दिया ऐसा 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 करो, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप सो रहे हैं। आपने अपने अनुयायियों को बोल दिया कि आप जो है वो 16 माला करो सवेरे, लेकिन आप सो रहे, तो फिर करेंगे लेकिन उतना प्रेरणा नहीं मिलता उनको, धीरे 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 छूट जाए। तो विदुर जी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है और निकल जाए। और अलग अलग तीर्थ स्थानों में, आप पिछले कुछ श्लोकों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग तीर्थ में उन्होंने भ्रमण किया। अशिल प्रभुपाद बताते हैं कि तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना, वहां पे नहाना दर्शन लेना ठीक है, शुद्ध करता है हमको, लेकिन यह पूर्ण फल नहीं। पूर्ण फल है साधु से। आपकी तीर्थ यात्रा तभी सफल होगी जब आप साधु से मिलेंगे और उनसे सुनेंगे शास्त्रों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। तो इतना
घूमते हुए भ्रमण करते हुए अलग अलग तीर्थ में विदुर जी आप पहुंचे यमुना किनारे वृंदावन में, जहां पे उनकी भेंट हुई उद्धव से। तो अब इनका तीर्थ यात्रा जो है वो सफल माना गया। और ये पूरा तीसरा स्कंद जो अभी प्रारंभ हुआ है और चौथा स्कंद, ये दोनों सिर्फ वार्तालाप है विदुर और उद्धव का। एक्चुअली उद्धव तो एक दो चैप्टर ही बोलेंगे, उसके बाद मैत्री मुनि। तो मैत्री मुनि और विदुर का संवाद है ये तीसरा और चौथा। तो दो साधु जब मिलते हैं, पता कैसे पड़ता है कि दो लोग साधु हैं? अभी देखिए, दो लोग कोई भी मिल सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, जो बिजनेस वाले होंगे बिजनेस की बात करेंगे, जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड वाले होंगे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जो फिल्म लाइन के होंगे फिल्म की बात करेंगे, जो स्टॉक मार्केट के होंगे स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। लेकिन दो लोग जब कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के नाम का, गीता भागवतम का बात कर रहे हैं, तब समझना चाहिए ये जो है ये भक्त है, ये साधु। साधु का वेश पहन लिया लेकिन दूसरे साधु से मिलके कृष्ण की बात नहीं कर रहा, तो साधु कैसे? प्रचार करने के लिए कई बार आपको कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे सेपरेट वो एक प्रीचिंग है, लेकिन आप एक दूसरे साधु से मिल रहे हो और कृष्ण का बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर साधु नहीं है। यहीं से तो पता पड़ जाएगा ना हमारे व्यवहार से। अब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो शास्त्रों में कहा गया, प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत जी भी कहते हैं कि कोई तीर्थ में जाने की ऐसी आवश्यकता नहीं भी है, जरूरत नहीं। कोई बोलेगा महाप्रभु ने तो कहा मथुरा वास, यस। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जहां पे भगवान है वही मथुरा है, जहां पे भगवान को केंद्र में रख के आप कर रहे हो वही वृंदावन। तो धाम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। किस भाव से जाना चाहिए? कि वहां पे जाके हम और चार्ज होके आएंगे और फिर सेवा में। और यही नहीं, हम अपने घर को भी एक धाम बनाएंगे। अगर अपने घर को बड़ा स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि तो भगवान के विग्रह का वहां पूजा हो रहा है, भगवान वहां पे केंद्र में है, इसलिए आपका जो घर है बड़ा स्वच्छ होना चाहिए। एक बार एक माता जी ने पूछा कि प्रभु जी, आप तो आपका तो अच्छा है, आप तो मंदिर में रहते हो, हम तो इधर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। मैं बोला ये तो आपकी सोच है, क्योंकि आपके घर में विग्रह है तो वो घर नहीं है और वो आपका नहीं है, भगवान का। बोलते अरे हम लोग को अपना घर का काम काज, ये घर सफाई करो, कुकिंग करो, यही सब में हमारा जीवन चला जाता है, साधना कहाँ होगा। मैं बोला कुकिंग किसके लिए कर रहे हो आप? ना अपने लिए कर रहे हो, ना अपने पति के लिए कर रहे हो, ना अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, कुकिंग कर किसके लिए रहे हो? कुकिंग ठाकुर जी के। सफाई किसके लिए कर रहे हो घर? क्योंकि घर में ठाकुर जी, इसीलिए सफाई कर रहे। तो अगर ये चेतना से रहेंगे कि कृष्ण हमारे घर के केंद्र है, हमारे सारे कार्य कृष्ण को केंद्र में रख कर हो रहे हैं, तो आपका घर घर नहीं है, मंदिर वो भी धाम है। क्योंकि सेवा कृष्ण को केंद्र में रख के सेवा की जाए तो वही उसी को धाम। अगर आप वृंदावन जाते हैं और मान लीजिए अब यात्रा में चले गए लेकिन मंगल आरती नहीं उठ रहे हैं, क्यों नहीं उठा, और रात को 3 बजे तक मूवी देख रहा था, तो फिर वृंदावन में आप है ही नहीं, आप सिर्फ एक्सटर्नली नाम के लिए वृंदावन में। अगर 2-3 बजे तक मूवी देख रहे हैं, फिर मंगल आरती नहीं उठे, 10 बजे उठ रहे हैं, फिर सीधा लंच को जा रहे हैं, कहीं कहीं जा नहीं रहे हैं, रूम पे ही पड़े हुए हैं, तो फिर क्या आप तो फिर वृंदावन में नहीं गए, सिर्फ पैसा वेस्ट किया टिकट का। वृंदावन जाने का मतलब क्या श्रवण कीर्तन का। तो ये जितने धाम गए अलग अलग, अब इसमें लिखा ना, तो सूरत गए, फिर पूरा पश्चिमी भाग करते हुए, मतलब गुजरात, राजस्थान, पूर्व जंगल, मतलब वो पश्चिमी दिल्ली, ये सब करते हुए
वहां से वो पहुंचे कहां पे, वृंदावन। अब प्रभुपाद जी कहते हैं 100 स्क्वायर माइल्स, 100 वर्ग मील का जो ये लैंड है ये सबसे शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वृंदावन है, प्रभुपाद जी ब्रजमंडल की बात है, इधर हरियाणा टच करता है, उधर दिल्ली टच करता है, तो ऐसे ये जो है क्षेत्र ये ब्रज। तो ये तो यहाँ पे हो गया। और क्यों ये भूभाग पवित्र है, प्रभुपाद जी लिखते हैं यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी। देखिए भगवान रहे तो थे वृंदावन में, है ना, 11 साल तक। उसके बाद भी जब फिर मथुरा में रहे 6 साल, फिर जब गए द्वारका, तो द्वारका और हस्तिनापुर आना जाना लगा रहता था। तो कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी रूट बताते हैं भगवान का, आचारी ट्रेनें वही उसी रूट पे चलती है, बॉम्बे से आप दिल्ली जाओगे तो वही रूट पे चलते हैं। राजस्थान जी लिखते हैं, राजस्थान सम पार्ट्स ऑफ सम लैंड्स विद स्कैंटी वाटर विच इज मध्य प्रदेश एंड गुजरात। प्रभुपाद जी लिखते हैं आज भी जितनी ट्रेनें हैं बॉम्बे से आप दिल्ली जाओगे, गुजरात थोड़ा एमपी टच करता है, फिर राजस्थान टच करता है, फिर मथुरा लेके आप। भगवान ने ऑलरेडी रूट बना दिया, सारी ट्रेनें भी उसी को फॉलो कर रही है। तो ये क्षेत्र में भगवान बार बार आना जाना करते थे, तो इसीलिए वो पवित्र है। और कहते हैं अपने आविर्भाव काल से, तो भगवान जब वहां पे थे। अब कई लोग धाम में जाते हैं, आज भी आप सुनेंगे प्रभु जी वो हम वृंदावन यात्रा में हम निधिवन जाएंगे क्या? बोला निधिवन देखेंगे टाइम मिला, निधिवन नहीं जाएंगे। तो यात्रा का जैसे उनका फोकस ही निधिवन है, एक्चुअली उनका फोकस निधिवन नहीं है, वो निधिवन में झांक के देखना चाहते हैं, झाड़ियां हटा के कहीं कृष्ण लीला कर रहे हैं। अगर 600 रुपए का टिकट खरीद के आप कृष्ण को देख सकते, 600 रुपए में तो आप बॉलीवुड का एक्टर नहीं दिखता। लोग आते हैं दूर दूर से बंबई में, एक झलक मिल जाए एक एक्टर की, भगवान को देखे 600 रुपए में तो सिर्फ मूवी दिखती है ना, एक मूवी का टिकट 300-400 रुपए होगा, फिर आप पॉपकॉर्न खा ले जाए 500-600, और आप भगवान को देखना चाहते हो 600 रुपए। चलो भगवान 600 रुपए में भी आपको दर्शन दे देंगे, लेकिन हृदय में भाव है कि देख के करोगे क्या, क्या करोगे देख? चलो भगवान आपके सामने प्रकट भी होगा, आप सेवा कुंज में गए, निधि वन में गए, हम तो कभी नहीं जाते निधि, करना क्या, भगवान को देख। अच्छा भगवान ऐसे दिखे, भगवान वहां पे रास्ते पे बैठे होंगे फुटपाथ पे, जो भी आएंगे मेरे को देखने, हाँ देख लो। और क्या करोगे आप, चलो भगवान दर्शन दे भी दिया आपके सामने आ गए, आप करोगे क्या, कुछ नहीं करोगे। हाँ मैंने देखा, हाँ प्रभु एक सेल्फी दे, एक सेल्फी तो बताऊंगा लोगों को कि मैं आपको देखा। भगवान बोले ठीक है सेल्फी दे, अब क्या करो, पोस्ट कर दोगे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फैला दोगे, उससे क्या होगा, आप तो वापस माया में ही आए ना। चलो हम आपको निधिवन ले जाते हैं, आपको भगवान का दर्शन भी कराते हैं, लेकिन शर्त है भगवान का दर्शन करने के बाद ये संसार में आपका कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, अभी घर का EMI बाकी है, बच्चों का पढ़ाई पूरा करना है, फिर शादी करना है, नाती पोतों का चेहरा देखना है, तो फिर भगवान को मत दे, दोनों साथ में नहीं जा सकते। वो भगवान है षड ऐश्वर्य पूर्ण अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान कृष्ण, वो आप ऐसे ही देखना चाहते, लेकिन देख सकते। कुछ लोग बोलते नहीं देखते इसलिए नहीं है, अरे आपको देश का प्रधानमंत्री भी देखना है तो बहुत सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, पैसा फेंक के प्रधानमंत्री को आप नहीं देख सकते, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है।
तो वैसे भगवान को देखा जा सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो। तो कई लोग वृंदावन जाते हैं इसीलिए। हाँ, और कृष्ण को देख लिया। हाँ, देख लिया देख लिया। अभी कहाँ जाएंगे, अभी 6 बज गया ना शाम का, चलो बिहारी जी के दर्शन। जब इधर किया तो फिर क्यों जाना बिहारी जी के। अच्छा, फिर 7 बजे वो इस्कॉन जाएंगे, आरती होती है वो अंग्रेज मंदिर में ना, अंग्रेज लोग नाचते हैं उधर से। और उसके बाद क्या करेगा, 7:30 बजे खाएंगे, चाट खाएंगे और कुछ ना कुछ खाएंगे, इधर उधर आलू टिक्की खाएंगे, फिर दूध पियेंगे, फिर गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे जहां से आए। हो गया ब्रज यात्रा। लोग तो ऐसे ही करते हैं ना ब्रज यात्रा। ठीक है, भगवान बोलते हैं इनको भी कृपा दिया, क्योंकि तो आया तो सही मेरे धाम में। भगवान से किसी भी रूप में संपर्क में आना, आपको फायदा तो होता है, कृपा मिलती है, लेकिन पूर्ण नहीं। जैसे विदुर जी को मिला, विदुर जी भगवान को नहीं ढूंढ रहे थे, वो तो तीर्थ स्थलियों में जा रहे थे उस भाव से, शुद्ध करने के भाव से। शुद्ध होते हम, और फिर उनकी तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई जब वो उद्धव जी से मिले। कई बार लोग पूछेंगे प्रभु जी, निधि वन में हमने सुना है कि रात को कोई नहीं रहता और भगवान को कोई उधर रात को कोई चला जाता है तो अंधा हो जाता है, या पशु बन जाता है, या मृत्यु हो जाती है, और जो सब बंदर रहते हैं वही गोपियां बनते हैं। अच्छा स्टोरी है, हॉलीवुड के डायरेक्टर को तो स्टोरी बनाएगा, मूवी बनाएगा, बढ़िया ग्राफिक्स चल। हमने सुना है, हमने तो नहीं सुना, और सुना भी होगा तो कहीं से सुन लेते हैं लोग, तो अनऑथोराइज नहीं सुनना चाहिए। धाम, हम पिछले हफ्ते भी हमने ये बोला था कि धाम में जाने का चेतना होना चाहिए। अक्रूर जी का वृंदावन गमन, जब अक्रूर जी वृंदावन जा रहे हैं तो देखिए उनका क्या भाव है, वो भाव होना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त साक्षात नहीं भी देखते कृष्ण को, उनको ढूंढते रहते हैं तो भी उनको वही आनंद मिलता है जो साक्षात देखने में मिलता है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पे कि हमारे आचार्य स्पेशली सर गोस्वामी, हाँ, हे राधे ब्रज देवी के सललिते हे नंद सुनो कुतर। तो कहाँ पे हो हे राधा रानी, हे ललिता विशाखा, हे नंद महाराज के पुत्र, आप कहाँ पे हो, ये भाव से उन लोग पूरे ब्रज में जा रहे हैं। इन्हें बोले कि हमने देख लिया, कहाँ पे हो आप, ये भाव होना चाहिए। अब प्रभुपाद यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं किंतु भक्त का उत्साह पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के समान ही है। अब कोई पूछेगा ऐसे कैसे, प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती। इसकी व्याख्या नहीं कहते, इस भौतिक संसार में भी कुछ चीजें नहीं समझाई जा सकती जो भौतिक है। जैसे एक पुरुष कभी नहीं समझ सकता कि लेबर पेन क्या होता है। इवन जैसे कहावत भी, जो स्त्री जिसका बच्चे नहीं हुआ, संतान नहीं है, वो नहीं समझ सकता। तो पुरुष तो सपने में भी नहीं समझ सकता कि होता क्या है। उसको फिर तपस्या करके अगला जन्म लेना पड़ेगा स्त्री का, फिर विवाह करके जब संतान उत्पत्ति होगी तब समझ पाएगा। तो इतना छोटा सा चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं। किसी के दांत में दर्द है तो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकते दांत का दर्द क्या होता है जब तक तो उसको हुआ नहीं। पता ही नहीं। तो हर चीज को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। लोग आते हैं प्रभु जी आपके आपके मंदिर में किसी ने कृष्ण को देखा है क्या? अब बोल दिया देखा है, क्या कर लेगा, देखा हमने, तो जी आपने देखा है, देखा है, फिर
आपने देखा है? तुम बोल तो दिया देखा, और कितनी बात हो। कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं राधा राज बिहारी खड़े, ऐसे दिखते। कैसा लगता है आपको? अब कैसे बताओ मैं कैसा लगता है? अभी दो व्यक्ति खड़े हैं, एक को दो थप्पड़ मारोगे, दूसरे से पूछोगे कैसा लगता है? उसको पता नहीं ना बेचारे को, तो थप्पड़ खाया नहीं, क्या बताएगा उसको? तो जब पढ़ेगी तब पता पड़ेगा कैसे लगता है। तो इस संसार में भी हम व्याख्या नहीं करें, तो कई बार हम भी देखिए हमारा साधना भक्ति का, प्रभुपाद जी ने कहा साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक विज्ञान है। यहाँ पर भावुकता की कोई जगह नहीं है। पता नहीं संसार में अभी डिवोटी एकदम भावुक होने लगा, कैसा होगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो कि बोगस है। मटेरियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बहुत फोकस किया जाता है, एक्चुअली वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और उससे आप सीख लो। कैसे हो सकता? जब तक आप नहीं करोगे आपके लिए ठीक है, थोड़ा एक फेंट आइडिया, बट तो समझ नहीं सकते ना, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं चैंटिंग कर रहा हूं, मैं बता सकता हूं कि चैंटिंग करने के बेनिफिट से, चैंटिंग करने से मुझे अच्छा लगा, लेकिन पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, ग्लिम्सेस कर पाऊंगा। और उसको भी समझने के लिए आपको खुद, आपको स्वयं चैंटिंग करना पड़ेगा, तब समझ पाओगे। क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, उसको कोई मेजर नहीं कर सकते। और ये चीज जो है बहुत इमोशनल लेवल पे, और भक्ति जो है वो डिवोशनल है, इमोशनल नहीं। तो सेंटिमेंटलिज्म की कोई जगह नहीं है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस के विज्ञान में। उसको जितना दूर रखेंगे उतना आप स्थित रहेंगे, नहीं तो आपकी नाव जो है वो ऐसे ऐसे डुलकती रहेगी। साधना तो कर रहे हैं, कभी इधर कभी कभी इधर कभी, क्यों? क्योंकि आप मन की नाव पे बैठ गए ना, और मन तो डोलते रहता है, मन का काम है। मेरा मनवा डोले रे, डोलते ही रहेगा। लोग बोलते हैं ना मन डोल रहा है, डोलते रहोगे, इस भव सागर में डोलते रहेगा, स्थित नहीं होगा। हमको साधना भक्ति, हमारे आचार्य स्पेशली श्री रूप गोस्वामी ने हमको साइंस दिया है, विज्ञान दिया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, जब 1973 में रिलीज होकर पहली बार बुक आई थी, लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी बैठे थे व्यास आसन पे, और बुक पैसे उठा के, दिस नेक्टर ऑफ डिवोशन इज लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। क्या आप जाके आपको कोर्ट में पेश किया गया, क्यों मर्डर किया? जज पूछे क्यों मर्डर किया, मेरा मन कर रहा था। ठीक है, आपका मन कर रहा था, लेकिन क्या जज, आप जज ये बोल सकता है मेरा मन कर रहा है तुमको फांसी की सजा देने का? जज नहीं बोल सकता, उसको लॉ बुक रेफर करना पड़ेगा, वकील को भी लॉ बुक रेफर करना पड़ेगा। आप कर दिया कर दिया, लेकिन जो वकील है या जज है वो नहीं कर सकते डिसीजन, मेरा मन कर रहा है, उनको बुक रेफर करनी पड़ेगी। तो हमको भी हमारे जीवन में कुछ भी करना है तो बुक रेफर करनी पड़ेगी, शास्त्र रेफर करनी पड़ेगी। जितना सेंटिमेंटल रहोगे उतना भक्ति में कष्ट ज्यादा बढ़ेंगे इस पथ पे, क्यों? क्योंकि सेंटिमेंटलिज्म क्या है, ये भावुकता, ये तो मन पे स्थिर है। तो मन बोलेगा आज चलो आज 32 माला जप करें, अब कर भी देख, तुरंत मन बोलते जाता है अचार माला चलता, उससे आगे अचार माला होगा 32 और 4 36, ऐसे जोड़ नहीं सकते ना, 18 18 बराबर। तो जितना आप मन की भावनाओं में बहते जाओगे तब तक स्थित होने में टाइम लगेगा, और इसी को कहते हैं अनर्थ। और वो अनर्थ निवृत्ति करनी है भजन से, तब आप निष्ठ भक्त बने।
अब अनर्थ निवृत्ति होगी भजन से, लेकिन वो भजन भी तो स्टेबल होना चाहिए, तब तो अच्छा होगा। ये दीवार है, आपको इस दीवार पे कीला मारना, तो आपने क्या किया, कीला रखा और हथौड़ी मार दी, तो थोड़ा अंदर जाता है, गया। फिर आपने बाजू में कीला रखा, फिर हथौड़ी मारा, ऐसा करके पूरा दीवार में छेद कर दिया, लेकिन कीला कहीं भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको कीले को रख के वहीं पे 4-5 बार हथौड़ी मारेंगे तब वो अंदर जाए। इसको बोलते हैं स्टेबल भजन। हमारा बाकी सब स्टेबल, हमारा भोजन स्टेबल होता है। अगर आपको हम एक प्लेट प्रसाद देते, उसमें 4 चपाती है, चावल है, 2 सब्जी है, सैलड है, पापड़ है, अचार है, मीठा है, दाल है, वो आपको सामने रख, अब आप खाना चालू किया, जैसे ही आपने थोड़ा चपाती और सब्जी खाया, अब मैंने थाली ले जाके 2 किलोमीटर दूर रख दिया, अब जाओ 2 किलोमीटर और वहां पे थोड़ा सा, अब वहां पे गया आपने थोड़ा खाया, फिर मैंने वहां से 3 किलोमीटर दूर रख दिया प्लेट, फिर आप वहां जाके खा रहे, फिर वहां जाके खा रहे, वहां रात तक। अच्छा पैदल नहीं जाना, मैं आपको गाड़ी भी दूंगा, तो आपका लंच खत्म करने में 4-5 घंटा लग जाएगा। चलो फाइनली आपने कंप्लीट भी कर लिया, तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमारे भजन में इसीलिए हमको रुचि नहीं आ रही, हमारे भजन में इसीलिए मन नहीं लग रहा, इसीलिए नींद आती है हमको क्लास में, इसीलिए नींद आती है चैन, क्योंकि टेस्ट नहीं है ना। तो टेस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी करना। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब तक ये मन को छोड़ोगे नहीं, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पे कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि हाँ गए भी होंगे वृंदावन आने के बाद, विदुर जी अलग अलग जगह गए होंगे, लेकिन क्या ढूंढ रहे साधु उद्धव जी को? प्रभुपाद जब राधा कुंड पे थे, तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ब्रज यात्रा में थे, और उन्होंने कहा, उनके एक डिसाइपल ने कहा कि अभी गुरु महाराज लेक्चर देने वाले हैं और एक पार्टी जो है वो परिक्रमा जाने वाली है, तो जिसको जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको लेक्चर सुनना है सुन सकते हैं। कितने विरक्त हैं श्रील भक्ति सिद्धांत। अब कुछ भक्तों ने सोचा, अरे गुरु महाराज लेक्चर देंगे, एक बार चालू होंगे तो बंद नहीं, 3-4 घंटा चलेगा, चलो घूम क्या देख क्या, ये सब नियोफाइट्स। देखना चाहता है, आप वायु को देख नहीं सकता, आकाश को देख नहीं सकता, मन बुद्धि अहंकार को नहीं देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते, आप परमात्मा को देखने जा रहे, कैसे संभव? लॉजिक नहीं बैठता। लेकिन वही परम भक्त, शुद्ध भक्त के मुख से सुनोगे, तो कान से वाणी जाएगी, तो आपको दर्शन मिल जाएगा वहीं बैठे। तो सब चले गए, 7-8 भक्त बैठे थे, वो भी धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटे में थोड़ा उठने लगे, प्रभुपाद जी बैठे रहे, ये लड़का सुनने में रुचि रख, देखने में नहीं रुचि रख। जो दर्शनम है, दर्शन मतलब सिद्धांत को समझना, दर्शन मतलब देखना नहीं होता, सिद्धांत को समझना, दर्शन मतलब सिद्धांत, षड दर्शन मतलब षड सिद्धांत। कहीं पे भी प्रहलाद महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कहीं दर्शनम नहीं बोले। तो एक उस हिसाब से देखा, जो महाप्रभु कहे ना वो कुर्म ब्राह्मण को, स्थान है स्थित श्रुति गताम तान, कि स्थान है स्थित यहीं पे रहो, कहीं मत जाओ, और क्या करो, श्रुति गताम सुनो, श्रवण करो, और अपना मन अपना तन और अपनी वाणी सेवा, यहीं परफेक्शन मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं। तो अगर हम धाम पे जा भी रहे हैं या नहीं भी जा रहे, तो दोनों ही सिचुएशन में हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए? साधु से श्रवण। कौन है वो साधु? श्रील प्रभुपाद और उनके निष्ठ अनुयायी।
तो प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद के लेक्चर, और भजन को स्टेबल रखना चाहिए। कैसे स्टेबल रखेंगे? मन की सुनना छोड़ दो, मन की सुनना छोड़ देंगे उसको डंडा मारेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत जी कहे कि जूता मारो सौ बार, झाड़ू मारो सवेरे और शाम, क्योंकि मन की सुनोगे तो भजन नहीं होगा। मन को दूर रखोगे तो निष्ठ भाव से भजन कर सकते हो। जब वैसा स्टेबल भजन होगा तो अनर्थ निवृत्ति बहुत जल्दी होगी, और अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएंगे। फिर तो रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, तब जल्दी जल्दी जाता है उधर से। सबसे समस्या क्या है? भजन। भजन हमारा जो है वो स्टेबल है, तो भजन को स्टेबल कीजिए। कभी कर रहा हूं, कभी नहीं कर रहा हूं, मेरी मर्ज, मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं रीडिंग करूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा मैं लेक्चर नहीं सुनूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं उठूंगा नहीं मोबाइल। तो ये स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबिलिटी। जब तक हमारा भजन अनस्टेबल होगा तब तक हम भी विचलित होते रहे। ये संसार बोलते हैं ना, हाँ, जीवन जल डल कमल जल जल जीवन टलमल। ये जीवन कैसा है? टलमल कर रहा है। तो ये संसार भी टलमल कर रहा, आपका मन भी टलमल कर रहा, आप भी टलमल, फिक्स तो कुछ है ही नहीं। ये भक्ति, इस साधना भक्ति को आप अगर फिक्स कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते। यहाँ पे वही कहते हैं, दार्शनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है, और शुद्ध ईश चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन की अपेक्षा अपने भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। क्योंकि विरह है ना, एक लॉन्गिंग होती है, लॉन्गिंग समझते हैं, लॉन्ग परिवार को लॉन्गिंग नहीं बोलते, लॉन्गिंग एक इंग्लिश शब्द है, मतलब मुझे चाहिए, और एक उत्सुकता, एक उत्कंठा, वो मुझे चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन लेना है, भगवान का दर्शन लेना, वो ज्यादा शुद्ध करेगा। और जब शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान सामने प्रकट होंगे। भगवान तो सर्वत्र है, ऐसा थोड़ी फिर वृंदावन पर, अब जहां भजन करोगे भगवान वहां जाएंगे। भगवान तो खींचे चले आते हैं उन भक्तों के पास जो भजन कर, लेकिन भजन को स्टेबल करो। जितना वो विचलित होता रहेगा उतना आप जो है अनंत जो है निवृत्ति उतनी धीरे धीरे होगी, लेकिन धीरे धीरे फिक्स नहीं। हमने उदाहरण दिया किला में, ठीक है, आज थोड़ा जल्दी रोकते हैं, इष्ट गोष्ठी के लिए जाना है, कल फेस्टिवल है। हरे कृष्ण।